बुधवार को नगर निगम भिलाई के जोन अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हुए। जोन क्रमांक 1 और 5 को छोड़कर शेष 3 जोन में चुनाव हुए। जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर में रामानंद मौर्य जोन अध्यक्ष बने। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन अध्यक्ष चुनाव को लेकर सभी जोन कार्यालयों में गहमागहमी का माहौल बना रहा। वैशाली नगर जोन 2 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से रामानंद मौर्य और भाजपा की ओर से संतोष मौर्य प्रत्याशी बनाए गए थे। यहां रामानंद मौर्य को 8 वोट मिले, वहीं संतोष मौर्य को 5 वोट से संतोष करना पड़ा। इसी प्रकार मदर टेरेसा जोन 3 से कांग्रेस की ओर से संतोष नाथ सिंह और भाजपा की ओर से विनोद चेलक को प्रत्याशी बनाया गया था। यहां भी कांग्रेस प्रत्याशी संतोष नाथ सिंह को 8 वोट मिले, विनोद चेलक को 5 वोट मिले। इस प्रकार जोन क्रमांक 3 से संतोष नाथ सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जोन 2 के नव निर्वाचित अध्यक्ष रामानंद मौर्य और भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले तो सर्वप्रथम प्रदेश के मुखिया सम्मानीय हमारे भूपेश बघेल जी को, महापौर जी को, विधायक जी को, हमारे संगठन को, मेरे जितने मेरे पार्षद भाई हैं सबको धन्यवाद। और चूँकि पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके जो कार्य दायित्व दिया है तो उस कार्य को मैं बखूबी निभाऊंगा और पार्टी को हम लोग बहुत आगे स्तर तक ले जाएंगे। और जो भी हमारे भाई हैं, पार्षदगण हैं, जो भी सभी वार्डों में समान रूप से हम लोग काम करेंगे, कहीं भेदभाव की नीति नहीं अपनाएंगे। सब अपने भाई हैं, सामंजस्य तो बैठने ही बैठते हैं। सारे लोग अपने वार्डों को काम करना है तो उनको तो सभी को आपस में सामंजस्य बैठाना है। ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया भी है, अब ये सब तो चलते रहता है। और सभी लोग चूँकि सबको अपने वार्ड का विकास करना है तो सारे लोग साथ चलेंगे, स्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। वो भी अपने छोटे भाई लोग हैं। यहाँ पर जो हम लोगों के यहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सारे विकास कार्य पूरे वार्ड में समानता से किया जाएगा। और हम लोग जो है इस जीत के श्रेय पूरा का पूरा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को देते हैं। चुनाव को लेकर जोन आयुक्त पूजा पिल्ले ने जानकारी दी। मैडम क्या व्यवस्थाएं थी आज यहाँ मतदान के लिए? निर्वाचन के लिए जो है सभी उम्मीदवारों का अटेंडेंस किया गया है और उनको जो एक सेपरेट जो है वोटिंग की व्यवस्था निर्वाचन मत पत्र जारी किया गया और उनको जो है जोन अध्यक्ष के चुनाव में जोन 4 शिवाजी नगर खुर्सी पार का चुनाव रोचक रहा। यहां कांग्रेस ने भूपेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था, वहीं भाजपा की ओर से विनोद सिंह जोन अध्यक्ष के लिए खड़े हुए थे। इस जोन में भाजपा और कांग्रेस को बराबर वोट मिले, जिसके बाद अध्यक्ष का निर्वाचन टॉस से किया गया। टॉस ने कांग्रेस का साथ दिया और भूपेंद्र यादव निर्वाचित हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।